Subscribe to Shemaroo and click the bell icon to never miss an update. आप इंडिया से न्यूजीलैंड बर्फ के ठंडे पानी में जान देने क्यों आई? वहीं किसी नदी नाले में कूदकर जान दे देती? मैं यहाँ जान देने नहीं, किसी की जान लेने आई हूँ। अच्छा, तो आप जान लेंगी। वेरी गुड। मैं सीरियस हूँ। अच्छा, वैसे आप किसी को नजर उठा के देख ले तो वैसे ही मर जाएगा। देखो मजाक मत करो, एक बार मेरे हाथ में तो आने दो, हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगी उस इडियट की। वैसे ये इडियट है कौन? है एक इंडियन। इंडियन? रेस्टोरेंट का मालिक है। नाम क्या है उसका? राजू। आप जानते हैं उसे? शायद जानता हूँ मैं उसको। मुझे फॉरेन लेकर चलो उसके पास, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। मगर उसने किया क्या है? बहुत ही घिनौनी हरकत किया, बताते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा, बताते हुए शर्म आ रही है, मारते वक्त शर्म नहीं आएगी आपको? अपने मुंह से बताएगा वो उसने किया क्या है, बल्कि उसके लिए तो एक बेड भी बुक करवा के आई हूँ मैं हॉस्पिटल में। Now come on, let's not waste time, let's go, get into the action. Yeah, come on, let's go, मेरे नाम का बिल किसने पढ़ा? Let's go. देखो मैं कंफर्म करके आता हूँ कि यही राजू है कि नहीं। जल्दी आना। ओके, बहुत डिस्परेट लग रही है। गोपाल, ये लड़की ने तेरे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? सीधा सीधा बोलना, तूने देख लिया है? यार तेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है यार? क्या मालूम यार, जब भी लड़की पटाने की कोशिश करता हूँ सीधा चमाट तपाट, और एक तू है, तेरे आगे पीछे लड़कियां घूमती रहती है। ऐसा नहीं हो सकता, एक दिन के लिए तू गोपाल बन जाए और मैं राजू बन जाऊँ। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज तेरी सारी तमन्नाएं पूरी कर देता हूँ मैं। कैसे? वो लड़की देख रहा है? क्या बात है, देसी लग रही है यार, क्या मस्त लग रही है, पकड़ू क्या? अरे वो खुद तुझे आकर पकड़ लेगी मेरे दोस्त। हाँ कैसे बोल रहा हूँ, कैसे मुझे पता चल जाए कि तू गोपाल नहीं राजू है? तो जाके बोल ना मैं राजू हूँ। लेकिन तू उसको गलती से बोल मत ना कि तू गोपाल है। नहीं नहीं, मैं राजू था, राजू हूँ, राजू रहूंगा। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मैं राजू बाजू चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के मैं राजू राजू चिल्लाऊंगा, कुर्ता फाड़ के तू मजनू मजनू चिल्लाएगी, कपड़े फाड़ के मजनू मजनू कपड़े फाड़ के कुर्ता फाड़ के फाड़ फाड़ के। मैडम जरा सोच समझ के उसे पता लग गया हम उसी के पीछे हैं। हां वो मेरे हाथ से बच के नहीं जा सकता। होशियारी से काम लेना, आदमी खतरनाक लगता है, मैं तो यही रुकूंगा भाई। यू डोंट वरी, डोंट वरी, उसका वो हाल कर दूंगी दो मिनट में। ओ तो तुम ही राज हो? तो क्या मैं तुम्हें आमिर खान दिखाई दे रहा हूँ? मैंने तो सोचा था कि तुम 6 फुट ऊंचे, लंबे मूंछों वाले विलन टाइप के आदमी निकलोगे। तुम तो बड़े कॉमेडियन टाइप के आदमी निकले। तुम्हें मारने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। तो तुम भी मेरी बॉडी और हाइट से धोखा खा गई ना। लेकिन मैडम तुम मुझे जानती नहीं, मैं बहुत खतरनाक आदमी, आधे हिंदुस्तान की पुलिस मुझे देश के कोने कोने में ढूंढ रही है और मैं यहाँ के बसा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? उसके पास तो गन है। हाँ गन तो है, देख रहा हूँ मैं। लेकिन एक मिनट, एक मिनट भाई साहब, आप एक हिंदुस्तानी होकर एक हिंदुस्तानी को क्यों मारना चाहते हो? आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप पकड़ो इस लड़की को। ऐसे नहीं, बाहों में बाहें डाल के पकड़ो इसको। नहीं नहीं, बाहों में बाहें डाल के मैं किसी लड़की को ऐसे नहीं पकड़ लूंगा, मैं उस टाइप का लड़का ही नहीं हूँ।
ज्यादा बात नहीं करना, दोनों गोली से उड़ा दूंगा। चल। अरे अरे पकड़ो ना जल्दी से, नहीं तो गोली मार देगा। नहीं नहीं, जिससे मैं प्यार करूंगा उसी से शादी करूंगा और उसी के भाव में पकड़ूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा और टाइप का लड़का हूँ। ओहो, तो फिर ऐसे समझो कि मैं ही वो लड़की हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, शादी करने वाले, और फिर जल्दी से पकड़ लो। चल। अच्छा आने दो कसके। अरे भाई साहब, आप हम दोनों को इतना क्यों कसवा रहे हो? मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हूँ। किस टाइप का? मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक गोली से दोनों कैसे मरते हैं। मेरे पास सिर्फ एक गोली है। नहीं भाई साहब। ठीक है भाई साहब, मरने के लिए तैयार हो जाओ। घुमाओ इधर भाई साहब, आंखें बंद करके ऐसे छोड़ो, आंखें खोलने समझे भाई साहब। बहुत टेंशन हो रही है भाई साहब। भाई साहब तो भाग गया। भाग गया, सारा मूड खराब कर दिया साले ने। मेरा मतलब कि जाएगा कहां भागकर? वैसे उर्मिला, राजू ने किया क्या था? किया था राजू ने, किया। पहले उसे पकड़ो फिर बताते। ओके लेट्स कैच हिम। भाग कर जाएगा कहां? अपने रेस्टोरेंट में तो आएगा ही ना, यहीं बैठकर उसका इंतजार करते हैं। अरे लेकिन आप मुझे बता क्यों नहीं रही है कि आप राजू को मारना क्यों चाहती है? भाई मिलेगा तो खुद ही बताएगा अपने मुंह से। ओके ये पॉइंट भी सही है। आप दो मिनट रुके, मैं पांच मिनट में भी आया। आई विल बी बैक। ओके वुड यू लाइक टू प्लेस योर ऑर्डर? गेट मी कॉफी प्लीज। वुड यू लाइक इट आयरिश और प्लेन? आयरिश। आयरिश ब्रदर, आपको छुपने के लिए यही जगह मिली? अरे उससे बचने के लिए यहाँ घूम रहा हूँ यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाटा खाया हूँ। नहीं नहीं, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जूता भी खाएंगे। वो सामने ही बैठी। हट हट, चल चल चल, निकल निकल, चल निकल चल निकल, हट हट। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दैट गर्ल? शी इज राइट अप देयर। हाउ डिड शी गो देयर? व्हाट डिड शी हैव? शी हैड आयरिश कॉफी। आयरिश? या। थैंक्स अ मिलियन। या। बेबी कम डाउन, कम डाऊन बेबी। नाउ अरे ऊपर आ जाओ, बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, मैं ऊपर, तुमको राजू को ढूंढना है ना? हाँ, किधर है? हाँ तो हवा में नहीं मिलेगा, जमीन पे मिलेगा तुमको। मैंने देखा उसको बगल में। कहाँ? किधर राजू? कम जम 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 बेबी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे ये तो मेरे कपड़ों की तरह लग रहे हैं। ये आपके कपड़ों की तरह नहीं है, ये आप ही के कपड़े हैं। What? ये कैसे हुआ? रात को हुआ ये सब। क्या हुआ? यही आयरिश कॉफी के नशे में आपने न जाने क्या क्या किया। क्या किया मैंने? आपने अपने कपड़े उतार कर फेंक दिए आपके सामने। नहीं नहीं, मैंने मुंह घुमा लिया था। मैंने मुंह घुमा लिया था। आप सच कह रहे हो ना? बिल्कुल। लेकिन उसके बाद आपने मेरा लुंगी कुर्ता निकाल कर पहन लिया। आपके सामने? नहीं नहीं, मैंने मुंह घुमा लिया था। फिर तो ठीक है। वैसे तो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन आप सच कह रहे हो ना? आपने तो कुछ नहीं देखा ना? आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। मैं नहाते वक्त अपने आप को नहीं देखता, तो आपको क्या देखता? वैसे उर्मिला, तुम्हारी कमर पर जो तिल है वो तुम्हारे होठों पर होता होता तो क्या होता रे। बिल्कुल बिल्कुल। बदमाश आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ भाई? क्या हुआ उर्मिला? क्या हुआ? अरे उर्मिला बोलोगी कि मैं ऐसी बात नहीं। गोपाल गोपाल गोपाल, ए, गोपाल कौन? गोपाल, ये तो राजू है। हाँ, हाँ, राजू गोपाल, गोपाल राजू, राजू गोपाल, गोपाल। अरे सामने से अटैक कर रहा था, ऐसा खींच के दिया है, सुबह तक नहीं उठेगा राजू गोपाल। कल सुबह तक तो क्या, अब लगता है ये उम्र भर नहीं उठेगा। मतलब? मेरा मतलब है कि ये तो दुनिया से उठ गया। ये तो बहुत जोर से मारती है। सुन सुन सुन, मेरी बात सुन, तू मर चुका है और तू लाश बन के रहना। सुन सुन मेरी बात सुन, तू मरेगा तब बता कि राजू के पीछे क्यों पड़ी हुई है। चल चल मर जा मर जा मर जा। ये तो सारी पम्मी करके देख ली, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ये सचमुच मर गए? आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो। तो क्या पुलिस आएगी? आएगी। मुझे जेल में लेकर जाएगी? लेकर जाएगी, लेकर जाएगी। मुझे फांसी पर लटकाएगी? लटकाएगी। मुझे बचा लीजिए, आप तो जानते हैं मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। आखिर राजू ने किया क्या था? वो तो सब बाद में बताऊंगी, अभी पहले बॉडी का कुछ कीजिए प्लीज। डोंट वरी, नोबडी हैज सीन अस, नोबडी हैज सीन अस। पागल हो गए क्या? वो लाश को मार डालेगा, इल्जाम उसके सर पे चला जाएगा, हम दोनों बच जाएंगे। अरे क्या बात कर रही हो, दोस्त है मेरा वो। क्या? हाँ?
अरे नहीं नहीं तुम समझे नहीं क्या? अगर उसने लाश की मुंडी काट दी ना तो हम लोगों को मुंडी एक जगह पर ले जानी पड़ेगी और धड़ एक जगह पर ले जाना पड़ेगा, फंस जाएंगे हम लोग। क्या बात कर रहे हो? अरे इसको क्या हो गया? अभी तो उसे मार रहा था, अभी खुद कैसे लड़क गया? आत्मा, आत्मा ने झटका दे दिया और तुम भी तमीज से रहना। चलो इससे पहले कोई आ जाए इस लाश को ठिकाना लगाना पड़ेगा हमको। जल्दी से जल्दी 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 इसके पहले कोई और आ जाए लाश को ठिकाने लगा देते। ओके इसकी उंगली तो मैं इसके तरफ से कर लेता हूँ यार, तुम टेंशन मत लो। चलो बच जाओ जल्दी से। चुप चुप चुप, तुमको नहीं बोल रहा, तुमको नहीं बोल रहा हूँ। ओहो ये कहाँ लेके आए हो? ये क्या है? इतना भी नहीं मालूम? ये जंक यार्ड है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? यहाँ पे लाश का क्या करेंगे? सीधी सी बात है, यहाँ पर गाड़ी स्क्रैप होती है और उसे कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता है। गाड़ी के साथ साथ लाश भी स्क्रैप में चली जाएगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। मैं कहता बैठ, चुप बैठ बोल रहा हूँ तुमको। ओह या, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, कम ऑन लाश। पुलिस, 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 पुलिस आगे। क्या करें? तू बोलो क्या करें? डरो मत, कुछ सोचो। क्या सोचूं? एक आइडिया, एक आइडिया। क्या? एक काम करो, तुमने जोर से पकड़ लो और पकड़ के जोरदार किस कर दो और तब तक किस करते रहो जब तक पुलिस आती नहीं। रमेश, क्यों? मैं सिर्फ उसी को किस करूंगी जिससे मैं प्यार करती हूँ, जिससे मैं शादी करने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं। मैंने तुमको भाव में नहीं लिया था क्या? हाँ। और तुम एक पल के लिए सोचो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे शादी करना चाहती हो। पुलिस, पुलिस, लेट्स चेक। पुलिस जाके दोनों को पकड़ लेगी, हम दोनों की जान जाएगी। मुझे क्या करना है? क्या क्या व्हाट्स हैपनिंग? Okay, let's go. Yeah. Thank God. Thank God. चले गए? हाँ हाँ। सब चले गए। लेकिन उन्होंने लाश को देखा नहीं? हाँ, लाश को? अरे हाँ। अरे देखो ना, मरा हुआ भी कितना मासूम लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सो रहा है। हाँ हाँ। अब क्या करें? हाँ? देखो पुलिस ने इसका चेहरा पहचान लिया है। हाँ। अब इस लाश को यहाँ पर ठिकाने लगाना ठीक नहीं। हम लोग काम करते हैं, इसको होटल ले जाते हैं और चैन से आराम से बैठकर चाय पीते हुए सोचते हैं कि इस लाश को ठिकाने कहाँ लगाएं। ओके ओके ओके। ए पिछट, कंधी लाश कहीं थी? सुनो हाँ, लिपस्टिक साफ करो। ओ ओ ये कब लग गई? ओ ओ ओ ओ ओ आई डिडंट रियलाइज दैट। कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, जल्दी अंदर चलो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। चल दे। मैं मदद करूं? नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ, आपने जितना कर दिया काफी है। एक्सक्यूज मी, माय रूम की प्लीज। श्योर, माय रूम की, या थैंक यू। समथिंग रॉन्ग? Nothing, he just got drunk. Don't worry, he's not looking at you. He's not staring at you. Don't worry. गोपाल, ये लाश झुके कैसे? सीधी बात है, किसी भी लाश को छोड़ोगे तो झुक जाएगी। ये तो अच्छी लाश है, कि लाशों की भी लाश जैसी नहीं दिख रही। देखो मुझे तो कुछ पता नहीं, मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं है ना। जोर जोर से बातें मत करो, फंस जाएंगे हम लोग। पहले इसे झुकाओ, झुकाओ, झुकाओ। इसकी बॉडी सीधी नहीं हो रही। ओह माय गॉड। देखो एक बात बताओ, ये लाश इतना आकड़ क्यों रही है? अरे लाश को ठंडी लगे ना। कोई बात नहीं, लाश को ठंडी लगे, ठंडी लग गई। मरने के बाद भी हमारे पीछे पड़ी हुई है। कभी कभी ऐसा हो। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? क्यों मार रही हो लाश को? लग जाएगा ना, क्यों मार रही हो उसको? मुझे घूर क्यों रहा है? कहाँ घूर घूर के? अरे लाश है लाश, इसको एंजॉय करो। जी और शो नहीं देखा? ओके मैं काम करता हूँ, मैं इसको चश्मा बना देता हूँ, आई कॉन्टेक्ट टूट जाएगा। ये देखो, ये वो शो नहीं देखा तुमने? जी और राम से की पिक्चर, आराम से देखो कैसे आराम से पड़ा हुआ है। मुझे लगता है तुमको भूख लगी है। हाँ। मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आता हूँ। भूख नहीं लगी, मैं अकेले कैसे रहूंगी? ये लाश कंपनी देगी ना, डोंट वरी, ऑल द बेस्ट, बाय। वेल मैडम। यस। खाना आ गया। वाओ, थैंक यू। अच्छा yes, तुमने yes, yes. ये बताया नहीं कि राजू ने किया क्या था? पहले खाना खा लूं, बहुत भूख लगी। ओके ओके। वाओ, ये लाश कहाँ गई? मैंने लाश को छुपा के रखा है। कहाँ? फ्रिज में। ओके। फ्रिज में। अरे मर गया, मर गया, मर गया। अरे मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया।
अरे हा? ये तो पहले से मरा है, वापस कैसे मरेगा? अरे समझा करो, लाश की कुल्फी हो जाएगी ना। लेकिन बाहर निकालेंगे तो लाश में से बदबू आ जाएगी। समझा करो, इधर रहेगा तो फ्रिज में बदबू आएगी ना। गया गया। हेलो, डेड बॉडी, डेड बॉडी है, अभी तक कुल्फी नहीं हुई। या इसका स्कोप है। तुम एक काम करो ना, तुम जाकर खाना खा, तब तक मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। ओके, आदमी बड़ा अकड़ू रहा होगा, कितना अकड़ रहा है मर के भी। अब सीधा हो जा यार। सही उड़ ले, नहीं तो मर जाएगा। निकलते निकलते रह गया है। वाओ, अबे क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है पागल? मरवाएगा क्या पागल? चुप जा, अभी चुप जा, अभी चुप कर ले। क्या हुआ? कुछ नहीं है, लाश बड़ी बदतमीज है, आप खाना खाइए। आप सुनो। हाँ? मैंने सुना है अंधेरे में हाँ? भूत प्रेत घूमते रहते। हाँ हाँ, मैंने भी सुना है कि अंधेरा होने पर भूत लोग घूमते 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 काय का। मैंने तो सुना है कि हंसते खेलते नाचते गाते और खाते भी हैं। हाँ? वो ये वो रे वो यो रे वो रे वो रे वो रे वो रे वो रे वो। ये क्या हो गया? अरे लाइट चली गई अपने आप। ये क्या हो रहा है? उर्मिला इधर आ जाओ, इधर आ जाओ उर्मिला, इधर इधर अरे अरे अरे, ये भूत तो वाकई डांस कर रहा है। मुझे तो लगता है कि अभी ये खाना भी खाएगा। ओ, देखो देखो, खाना खाना शुरू कर दिया उसने। ओ उर्मिला, उर्मिला, ये राजू ने आखिर किया क्या था? ये राजू ने आखिर उर्मिला, ये तो फिर लाश बन गया। हाँ, अंधेरा होते ही आत्मा आई, उजाले में आत्मा चली गई। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से सो जाओ, क्योंकि हमें पांव फटते ही इस लाश को ठिकाने लगाना है। वैसे उर्मिला, राजू ने किया क्या था? बोलना यार। मैं लाश को ठिकाने लगाता हूँ। अच्छा, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं तुम नहीं, तुम चुपचाप यहीं पर बैठी रहो। ठंडी है। चलो मैं भी तुम्हें हेल्प करती हूँ। ओके। क्या हुआ? तुमको फिर से देखा? फिर से देखा? इस लाश की तो ना, इस लाश की तो मैं ऐसे ऐसे ऐसी बैंड बजाऊंगा ऐसी। अबे चलिए 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 चलिए, चल कूद जा कूद जा कूद जा, अबे कूद जा चल। ये चीख कहाँ से आई? इतनी ऊंचाई से फेंका है कि किसी भी लाश की चीख निकल जाती है। वैसे राजू ने किया क्या था? वैसे किया क्या था राजू? चलो चलो चलो, यहाँ से निकल चलते, इसके पहले कि यहाँ कोई आ जाए। कम ऑन, इतनी ठंडी है। ये भी अट्टू मच। चलो जल्दी। अच्छा बचे। हाय सर। थैंक्स गोपाल, इस सब ने तुमने मेरी कितनी मदद की है। इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ मैं न्यूजीलैंड पैसे कमाने के लिए आया था और कहाँ इस मर्डर के चक्कर में पड़ गया। लेकिन सुनो, तुम इस मर्डर के बारे में किसी को बता मत देना। अरे कमाल है, और किसी को कैसे पता चल सकता है, सिर्फ हम दोनों तो जानते हैं। नहीं तुम समझी नहीं, कल को मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, तुम्हारी शादी कहीं और हो जाएगी, फिर बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, और फिर तुम उनको स्टोरी सुनाने बैठ जाओगी कि जब मैं न्यूजीलैंड गई थी तो ऐसा हुआ था। और कानून तो उम्र देखकर सजा देता नहीं है ना मैडम, फिर भी फंस सकते हैं और पक्का फंसेंगे देखना। गोपाल गोपाल, तो फिर जल्दी सोचो। बस एक ही तरकीब है। क्या? क्यों ना अलग अलग शादी करने के बजाय हम लोग आपस में शादी कर ले। अपने बच्चों का फ्यूचर बचाने के लिए तुम ये स्टोरी उनको सुनाओगी नहीं, और अपने सुहाग को बचाने के लिए तुम ये स्टोरी भूल ही जाओगी। बिल्कुल नहीं। और मान लो अगर हम लोग पकड़े भी गए तो कम से कम साथ में अंदर जाएंगे ना, पति पत्नी आपस में मिलकर, है ना?
तो फिर साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? देखो, मैंने अपने दिल की बात तो कह दी, अब तुम बताओ कि तुम्हारी तरफ से क्या है, हाँ या ना? Well, सोचना पड़ेगा। सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास। And the time starts now. जादू तू, खूब यारी निभाई ना, मेरे को मरने के लिए खाई में छोड़ के आया और खुद उस लड़की के पीछे भाग गया। तेरी दोस्ती के लिए मैंने क्या कह नहीं किया, जिंदा से मुर्दा बन गया, गोपाल से राजू बन गया। यही सारा क्या कर रहे थे बंदर की तरह? क्या कर रही हो? यो 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 यार, बहुत हो गया तेरा ड्रामा कर रहा है, तू क्या समझ गया? इतना बड़ा धोखा, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अरे मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम्हें कितना अच्छा आदमी समझते थे मैं, तुम इतने गुरे हुए निकले। अरे लेकिन मैंने किया क्या है? तुम्हें सब बताऊंगी मैं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हाँ ठीक है, चलो। ओके, यूज़लेस। आई एम सॉरी गोपाल, मैं तुझे ठंडी में छोड़ के आ गया था। विकी, हाय। ये विकी, मारना नहीं। क्या बोला था इनको? मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। विकी बोल दे, विकी मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ किसी से डरने की जरूरत? एक्सक्यूज मी, बोल क्या बोला था, बोल क्या बोला था, वरना तुझे ऐसा तोड़ूंगा कि दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुझे जोड़ नहीं पाएगा। इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया था? मैंने। राजू, राजू, राजू। कुछ बोलोगी भी या ऐसी ही खड़ी रहोगी? राजू तुम इंडिया जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो एयरपोर्ट पे घूमने के लिए आया हूँ, थोड़ी देर में फ्लाइट उड़ेगी और उसके बाद सामान लेकर लौट चलेंगे। क्यों गोपाल? गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा इंडिया से वापस तो आओगे ना? नहीं, इंडिया में मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ना, मैं उसे शादी करके वही होटल ले जाऊंगा, वापस आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्यों गोपाल? गुस्सा क्यों हो रहे हो राजू? अरे यार कोई प्यार वाली बात करो ना। कैसे करूं? मैंने तो कभी प्यार किया नहीं, पहली बार हुआ है, मुझे क्या मालूम कैसे करते हैं प्यार मोहब्बत की बातें। क्या बात करती हो, तुमको नहीं मालूम? तुमने कभी पिक्चर नहीं देखी किस तरह से हीरोइन हीरो को एयरपोर्ट पे मिलने के लिए आती है, हीरो धार से उसको गले लग जाता है और उसके बाद उसे प्यार से किस करने वाला होता है, कितने में टेंशन वाली अनाउंसमेंट है। फ्लाइट टाइम हो गया भाई साहब, आई एम सॉरी। तू क्यों सॉरी बोल रहा है? चमचा हो राजू। बाबा बाबा, अबे छुटा नहीं, फ्लाइट छूटेगी। अरे बाबा जाना है यार, मैं तुमको इस लाश के हवाले करके जा रहा हूँ, ये लाश इसका ख्याल रखना। बाय। अरे छोड़ ना यार, फ्लाइट है, ट्रेन नहीं, जो चेन खींचे रुक जाएगी। चल चल चल, पायलट को जवाब देना पड़ता है मुझे।